हेलो क्लास सेकंड, दिस इज योर एमएस साइंस मोरल साइंस सब्जेक्ट एंड योर चैप्टर नंबर 5। एज यू कैन सी, ये आपकी एमएस बुक है एंड योर लेसन इज चैप्टर 5 आपका है। लेसन नेम इज सैटर्न एंड डिस्कस। ठीक है, अब हम जल्दी से अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सभी ध्यान से स्टोरी सुनेंगे। ओके क्लास, नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट। देयर लिव्ड एन ओल्ड टाइगर, रहता था बूढ़ा टाइगर रहता था। दिखाई दे रहा आपको स्क्रीन पे, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं जो जंगल में रहता था। ठीक है, ही कुड नॉट हंट द एनिमल्स एज ही यूज टू डू व्हेन ही वॉज यंग। जैसा कि वो यंग था, जवान था, यंग था, तब वो शिकार कर लेता था एनिमल्स के, लेकिन अब वो बूढ़ा होने के कारण शिकार करने में समर्थ नहीं था, नहीं कर पाता था बेचारा। ठीक है, एंड द टाइगर थॉट, अब एक दिन टाइगर के माइंड में आया, आई हैव लॉस्ट माई स्ट्रेंथ, भी अब मेरे पास नहीं है, और मेरी जो, मैं जब जवान था, अब वो मेरे पास वो वाली फुर्ती भी नहीं रही है कि मैं फुर्ती से किसी शिकार को पकड़ लूँ और मैं खाना अपना तैयार कर सकूं। अनलेस आई फाइंड सम ट्रिक आई विल स्टार्व टू डेथ, कि जब तक मैं कोई ऐसी ट्रिक ढूंढता हूं अपना खाना ढूंढने के लिए, तब तक तो शायद मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। ओके, आफ्टर अ लॉन्ग थॉट्स, काफी टाइम सोचने के बाद, द टाइगर स्ट्रक अपॉन अ प्लान, उसके माइंड में एकदम से प्लान आया। ही बिगेन टू कीप ऑन सेइंग, और वो बार बार यही कहता रहा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, आई हैव टर्नड इनटू अ वेजिटेरियन हो गया हूँ मैं, आई हैव बिकम अ सन्यासी हो गया हूँ अब मैं, किसी को कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ अपने आप से मतलब रखूंगा, और मैं अब किसी का, जो एनिमल्स हैं जैसे मैं शिकार करता हूँ, मैं और किसी का शिकार नहीं करूँगा आगे चल के। ठीक है, सून दीज वर्ड स्प्रेड इन द जंगल, में जैसे ही फैले, इनोसेंट एनिमल्स केम टू पे रिस्पेक्ट टू द टाइगर, को रिस्पेक्ट देने के लिए जो सीधे साधे एनिमल्स थे वो उसके पास जैसे ही आए, थिंकिंग दैट द टाइगर, उन्होंने सोचा कि हो सकता है टाइगर शायद बदल गया है और वो एक ऋषि बन गया है, पंडित टाइप बन गया है वो। ठीक है, द टाइगर पॉन्च्ड, पॉन्च का मतलब होता है सडनली अटैक करना, ऑन द एनिमल्स पे वन बाय वन अटैक कर लेता था जब वो उसकी केव में उसको थैंक यू या उसका तारीफ करने के लिए आते थे। अब दीज वर्ड्स फेल इन द ईयर्स ऑफ अ फॉक्स, ये वर्ड्स फेल हो गए थे उसको, उसके कानों में, फॉक्स के कानों में। द फॉक्स बिगेन टू थिंक, कैन अ टाइगर बिकेम अ सेंट, अब वो फॉक्स तो चलाक लोमड़ी है। ठीक है, अब फॉक्स के माइंड में ये बात आई कि मुझे लगता तो नहीं है कि टाइगर सेंट में चेंज हो सकता है। ही वॉज ईगर टू फाइंड द ट्रूथ, अब जो वो लोमड़ी थी, अब वो या क्या यकीन नहीं कर पा रही थी इस बात को, अब वो क्या सोच रही थी, उसके माइंड में क्या था, इतनी ज्यादा इच्छुक हो रही थी वो ये देखने के लिए कि क्या ये सच है। और ऐसा होने से क्या हुआ, अब जैसे ही उसके माइंड में ये बात आई, द फॉक्स अप्रोच द, अब वो उसके, उसे तसल्ली नहीं हो जा रही थी, हो पा रही थी उसको इस बात से, तो फॉक्स ने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे वेट किए हुए वो टाइगर की गुफा में उसके पास गई। ही मिनटली एंड केयरफुली एग्जामिन द फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल्स, के वो फुटप्रिंट्स पहचान लेती थी। अब उसने ये देखा, इतनी चालाक थी वो, इसने ये देखा कि ही फाउंड ऑल द फुटप्रिंट्स, कि जो भी एनिमल आया है उसके फुटप्रिंट सिर्फ अंदर आए हैं लेकिन बाहर नहीं गए। इट मीन्स अगर कोई एनिमल अंदर आया है तो वो बाहर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो ही फाउंड ऑल द फुटप्रिंट्स गोइंग टुवर्ड्स द केव बट नॉट रिटर्निंग फ्रॉम द केव, में रिटर्न बाहर नहीं आए किसी के पैरों के निशान। ही टोल्ड ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, में बोला कि टाइगर एक चीट है, धोखेबाज है, डोंट गो टू द केव, केव में मत जाओ, द टाइगर हैड टू स्टार्व टू डेथ, कि टाइगर अपने आप ही भूखा रह के मर जाएगा। और उसने उन सबको समझा दिया और उन सबकी जान बचा ली फॉक्स ने। ओके, एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज विक्ड वर्ड्स आर नॉट टू बी बिलीव्ड, ऐसे चलाक वाले जो
धोखेबाज वाले जो वर्ड्स हैं उन पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, जहां वो चालाकी जिनमें धोखेबाजी की गंध आती है, ठीक है। एंड नाउ यू हैव द वर्ड्स, वर्ड वाइज आपके वर्ड मीनिंग्स आर देयर, यू हैव टू राइट डाउन। ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ना, इसको थ्री वर्ड वाइज के वर्ड मीनिंग्स हैं ये आपके, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है, और साथ में इनके आंसर लर्न करने हैं और इनकी स्पेलिंग्स भी सबकी, ओके क्लास। अब ये आपके सामने क्या है, आपका ए आंसर दिया है, बी आंसर इज देयर, सी आपको खुद से करना है, ठीक है, एंड डी आंसर का आपका फर्स्ट आंसर है, सेकंड आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ आपका सेकंड आंसर कंप्लीट हो गया है, एंड योर आंसर नंबर थर्ड इज ऑल्सो देयर, ठीक है। थर्ड में जैसे आपके डॉट डॉट्स आपको लेसन से फाइंड आउट करके इनके आगे पीछे के वर्ड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो ये बीच में लेटर्स वर्ड्स मैंने छोड़ दिए हैं ये आप कंप्लीट करेंगे, एंड आंसर फोर भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर ई आपका मिसप्रिंट है शायद, आपका ये क्वेश्चन नंबर डी है, ओके, क्वेश्चन डी का आपका फर्स्ट और ये सेकेंड आंसर, और यहाँ से आप अपने क्या करेंगे, अपनी बुक वर्क में फिनिश करेंगे सारा वर्क, ओके क्लास।